हिंदुस्तान न्यूज, मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 28 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 171 लोगों की तलाश की जा रही है। तपोवन में सुरंग में अभी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल में अभी 30 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशमठी में आईटीबीपी अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम ने आपदा में हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए यूपी के लोगों के लिए योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को सीएम कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यूपी के 3 मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे और चमोली त्रासदी का जायजा करेंगे। राज्यसभा के 4 सांसदों की विदाई पर पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल को सराहा और गुलाम नबी आजाद को अपना प्रिय मित्र बताया। इस दौरान पीएम मोदी आतंकी घटना को याद करते हुए भावुक हो गए। पीएम ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद ने उस दिन उनको फोन किया और वह फोन पे बहुत रो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं, उनकी जगह भरना मुश्किल होगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 जनवरी के बाद से मुख्य आरोपी दीप सिद्धू फरार था, जिस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। प्रधानमंत्री के आंदोलनजीवी वाले बयान को किसानों ने अपमान बताते हुए कहा कि ये आंदोलन ही थे जिनकी वजह से इस देश को आजादी मिली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 76वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। वे किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर भी अपनी बात रखेंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार। राज्यपाल फागू चौहान नए मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 17 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 विधायक मंत्री बने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और वहां 2 परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और झाड़ग्राम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 22 फरवरी को बजट पेश करेगी। यह योगी सरकार का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि आपसे तो कोकड़ के भूत भी नहीं डरते। शिवसेना ने कहा कि देश के समक्ष कई गंभीर समस्याएं हैं और गृह मंत्री को उन समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी। पीएम मोदी ने बताया, हमने सामरिक क्षेत्रीय मुद्दों समेत साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। तेलंगाना में एक बैठक में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,110 मामले सामने आए और वहीं 78 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,08,47,304 पहुंच गई है। इनमें से 1,55,158 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब तक कुल 62,59,008 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यूपी के जौनपुर में ट्रक और पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि लोग घायल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई। सीएम की बेटी एक पुराने सोफे को ऑनलाइन बेच रही थी। इस क्रम में ठगों ने उनसे 34,000 रुपए ठग लिए। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता 2.3 मापी गई है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह के वक्त कोहरे की चादर से लिपटी हुई है। दिल्ली के पालम इलाके में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वहीं सफदरजंग में 200 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरी भागों में आज और कल बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। पंजाब की जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, उनकी बेटी दोनों का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राम मंदिर के फैसले और सीजीआई पर अभद्र टिप्पणी करना एक गंभीर विषय है। इसको लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड के साहिबगंज में कई विकास समिति के सदस्यों ने सरकार से छात्रावास आरक्षण की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। हरियाणा के पानीपत में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने बुआ के लड़के को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करके सस्ती शराब को महंगी बोतलों में भरकर सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के सादुलपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर और बाइक रैली निकालकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है और कानून वापस लेने की मांग की। मुजफ्फरनगर में जंगलों से पेड़ काटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 4 को लाख पेड़ सहित ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई है। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी से 4 लाख की लूट के साथ ही स्कूटी भी लूट ली है। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध गांजा के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर में संगठन विस्तार को लेकर हिंदू जागरण मंच की बैठक में लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन विस्तार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनगढ़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष किसानों की नहीं उनकी आड़ में राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बिहार के अररिया में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान के तारानगर में पालिका उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। संतोष देवी को शपथ दिलवाकर प्रमाण पत्र दिया गया है। एमपी के बालाघाट में पानी के संकट से गुजर रही महिलाओं ने जलादय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है।
राजस्थान के तारानगर में ग्राम विकास अधिकारी ने 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान गांवों में विकास की रूपरेखा बनाने और सरकार की योजनाओं को लागू करने को कहा गया है। तारानगर में निजी और सरकारी स्कूलों में 6 से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। झारखंड के बहरवारा में भीषण हादसे में 2 युवकों की मौत पर हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जमशेदपुर में सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं पर नियंत्रण की मांग करते हुए ह्यूमन वेलफेयर ने जिला उपायुक्त कार्यालय सौंपा है। जमशेदपुर के सड़क बनाने की मांग को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है और कहा गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। साहिबगंज में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेसियों ने किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जो भारतीय किसानों से टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। बिहार के सुपौल में 2 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इस दिव्यांग शिविर में सभी दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बनने के साथ UDID कार्ड बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक पर ध्वनि प्रदूषण से मुक्त पाने के लिए नो हॉकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर में रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। पानीपत में नगर निगम शाखा के कर्मचारियों ने कमिश्नर के दफ्तर के आगे सामने अपनी मांगों को लेकर 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटका के बीजपुर में पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई गई, ये जानकारी SP अग्रवाल ने दी है। जालंधर के केयर मैक्स हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत पर उसके परिजनों ने डॉक्टर पर गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसान आंदोलन में केंद्र सरकार को सचेत करने के लिए मशहूर गायक अजय हुड्डा का गाना गाया। मोदी जी थारी टोप कडे पर किसान जितेंद्र बबला गाने पर नाचते हुए नजर आए। पानीपत में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दौर शुरू हो गया है। जिला उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा में 50,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से गर्भपात कराने वाली फर्जी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। फरीदाबाद के गांव में एक युवक को उसके पड़ोसियों ने लाठी डंडों और चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया। सूचना पुलिस को दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के मरवाही में एक नाबालिग का अपहरण करने वाले पुलिस को ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सेंसेक्स 87 अंकों की बढ़त के साथ 51,436 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 20 अंक ऊपर 15,136 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 87.30 रुपए और डीजल में 77.48 की बढ़ोतरी हुई है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने जानकारी सार्वजनिक करने में हुई देरी के मामले में सेबी से 75 लाख में केस का सेटलमेंट किया है। एलन मस्क की टेस्ला ने निवेश की खबर के बाद बिटकॉइन करीब 13% की उछाल की गई है। टेस्ला ने कहा कि उसने पिछले महीने बिटकॉइन में $1.5 अरब का निवेश किया है। सोना 6 महीनों में 9,300 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं चांदी भी 4,900 रुपये सस्ती हुई है। SCL ने अपने कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस देने का निर्णय लिया है। मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 7 देशों में यूरोप केवल 2 बाजार फ्रांस और ब्रिटेन ही शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की कॉरपोरेट कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है। अधिकतर कंपनियों ने अपना बढ़िया रेवेन्यू बरकरार रखा है। ब्रेक्जिट के बाद EU और ब्रिटेन दोनों ने भारत से ट्रेड डील तर्ज कर दी है। कई सौदों पर जल्द ही मुहर लगेगी।
ईयू के ट्रेड कमिश्नर के साथ बातचीत में पीयूष गोयल ने अर्ली हार्वेस्ट डील करने पर जोर दिया है। इसके बाद फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट पर बातचीत हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 3.8 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 83,827 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से 1484 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना महामारी से हुई मौतों को लेकर अब रूस भी शक के घेरे में आ गया है। दरअसल एक एजेंसी ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उसमें रूस सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या ज्यादा है। WHO ने कहा कि महामारी के खिलाफ जंग में एस्ट्राजेनिका वैक्सीन अहम रोल निभा सकती है, इसलिए अभी एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को खारिज ना करें। चीन को कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन का डर सता रहा है। इस बीच ड्रैगन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इन पाबंदियों का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में हिंदू धार्मिक स्थलों की दुर्दशा को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि देश में हिंदू धर्म के प्रमुख स्थलों की हालात निराशाजनक है। पाकिस्तान में आज इमरान ने इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष की रैली होगी, जिसको लेकर सेना ने कहा हमें राजनीति में नहीं घसीटें। अमेरिकी लोकतंत्र के 231 साल के इतिहास में पहली बार ट्रंप के खिलाफ सीनेट में आज से महाभियोग चलाने के लिए ट्रायल शुरू होगा। किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख विजय माल्या को अपने रहने के संबंध में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसे निकालने की अनुमति मिल गई है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कर्फ्यू लगाया, साथ ही इस बीच 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर पाबंदी भी लगाई गई है। कोरोना के चलते दुबई में सलमान खान की टाइगर 3 शूट नहीं हो पाएगी, हालांकि टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की शूटिंग इस्तांबुल में कर सकते हैं। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावड़ी में अजय देवगन, अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के लिए वे 10 दिन काम करेंगे। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर बधाई हो कि शूटिंग के लिए देहरादून के ऋषिकेश रवाना हो गई हैं। ऋषिकेश में शूट होने वाली भूमि की यह तीसरी फिल्म है। कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा ABCD का तीसरा पार्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके मुताबिक फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है। बच्चन पांडे से कृति सेनन का लुक सामने आया है। कृति ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर फाइनल टचेस एक्शन से सेकंड से पहले जहां थोड़ी मैं हूं वहीं थोड़ी मायरा है। इंग्लैंड ने भारत को चेन्नई टेस्ट में जीत के लिए 420 रन की चुनौती दी। टेस्ट क्रिकेट के 131 साल के इतिहास में कोई भी टीम इतने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है। इंग्लैंड के गेंदबाज कोच लोन लुइस ने कहा कि जब हमारे बल्लेबाजों ने पॉजिटिव खेल दिखाया मुझे नहीं लगता था पिच पर स्ट्रोक्स को खेलना आसान है। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन ने दोनों पारियों में 9 विकेट हासिल किए। इससे अश्विन इतिहास रचकर 100 साल में यह कारनामा करने वाले पहले स्पिनर बने। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉन इंग्लैंड के रवैये से नाखुश हैं, बोले इंग्लिश टीम भारत के खिलाफ डरपोक क्रिकेट खेल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी किया है। शाकिब इस हफ्ते टीम के जैव सुरक्षा वातावरण से बाहर आएंगे और फिट होने के लिए अपनी चोट का इलाज रखेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।